गाइस गुड मॉर्निंग ही है, अभी 12 नहीं बजे हैं, मॉर्निंग ही है। तो अभी 10-15 मिनट हैं और आज है थर्सडे मॉर्निंग। अब दोपहर ही हो जाएगी मेरे लिए तो, क्योंकि सारा काम फिनिश हो गया है, नहा चुकी हूँ। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर छत पे बैठ जाऊँगी, और आज थर्सडे है बट फिर भी मैंने हेयर वॉश कर लिया, क्योंकि कल करना था मुझे, बट कल मैंने काफ़ी सारे कपड़े वॉश किए थे तो मुझ में हिम्मत नहीं बची कि सर भी धो लूँ मैं, थक जाते हैं क्योंकि। हाँ, और मैं सोच रही थी अपने हेयर कट करवा लूँ बट लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस याद करके मैंने अपना कैंसिल कर दिया प्लान, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरा सिजेरियन हुआ था। बहुत तेज़ आवाज़ आती है यहाँ पे पीछे ना, बड़े वाला रोड है, तो मैं बैठ जाऊँ फिर बात करूँगी। भाई बैठने में भी बहुत दिक्कत होती है, तो बस अभी। हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस मेरा बहुत गंदा था। गंदा इसलिए था क्योंकि लास्ट टाइम जब सिजेरियन हुआ था तो मैंने 15 दिन में कॉम किया था, 15 दिन बाद मैंने कंघी की थी, तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। पता नहीं क्यों मेरी सासू माँ ने मना कर दिया कि कॉम नहीं करना है, तो इसलिए फिर मैंने बालों में कंघी नहीं की थी। तो उसके बाद 15 दिन बाद किए थे, तो मेरे बालों की हालत ख़राब हो गई थी, मतलब इतने सारे बाल टूटे थे, इतने सारे। और अब की बार ठीक है, अब की बार मैं अपने थोड़े बड़े ही बाल करूँगी और कन्फर्म मैं सिजेरियन नहीं होगा, और बस इसीलिए बाल नहीं कटवा रही हूँ, क्योंकि बाल कट जाएंगे तो फिर वो छोटे छोटे रहेंगे, और 2 दिन तो पूरा आपको लेटे ही रहना होता है, उठ भी नहीं सकते हो आप अपने आप से, तो इसलिए फिर बाल बड़े ठीक है। तो मैंने फाइनली सोचा हुआ है कि मैं बहुत सारा ऑयल डालकर जाऊँगी और चोटी वगैरह बना के जाऊँगी, जिससे मेरे बाल नहीं उलझेंगे। लास्ट टाइम भी मुझे इतना पता था कि आपसे ना हेयर वॉश नहीं करवाएंगे, मतलब काफ़ी दिन तक सर नहीं धुलना होता है डिलीवरी के बाद, बट ये नहीं पता था कि कॉम भी नहीं करने देंगे। तो इसलिए मैं उसी दिन हेयर वॉश करके गई थी जिस दिन मेरा सिजेरियन था। तो मंडे को मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो मैं मंडे को ही अपना हेयर वॉश करके गई थी मॉर्निंग में, तो मेरे बाल भी नहीं सूखे थे अच्छे से, और मैंने ऐसे ही जूड़ा बनाया हुआ था। और आपको पता है हल्के गीले बाल रहते हैं, जब लेटे रहो 2 दिन तक, मतलब ऐसे सिर्फ मूव कर सकते हैं इस तरीके से, तो मेरे पूरे बाल उलझ चुके थे। और 15 दिन बाद मैंने कॉम किया तो मेरी हालत ख़राब हो गई बालों की, तो इस वजह से अब की बार मुझे ये एक्सपीरियंस हो चुका है। काफ़ी सारी चीज़ें जब फर्स्ट टाइम होती है तो नहीं पता होती है, जब सेकेंड टाइम होती है तो मोस्टली चीज़ें हमें पता होती है और उसके हिसाब से हम मैनेज कर लेते हैं। तो बस वही है, ये छोटा सा एक्सपीरियंस है मेरा जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया अभी बालों का। तो काफ़ी सारा ऑयल डालकर जाऊंगी, चोटी बनाकर जाऊंगी, जिससे मेरे बाल नहीं उलझेंगे, नहीं तो बस मुझे ही पता है 15 दिन बाद अगर कॉम करूँ तो, वैसे ही नॉर्मली कॉम करो तो बाल इतने उलझ जाते हैं, और उस टाइम पे तो बस लेटे रहना होता था। मैं थोड़ी देर के लिए भी उठती थी तो मम्मी डांट देती थी, मतलब मेरी सासू माँ, कि लेट जा, मतलब आराम कर, रेस्ट कर, ऐसे तेरा ये ऑपरेशन हुआ है ये वो, तो बस ऐसे ही लेटे रहो हालत ख़राब हो जाती है। और फिर खुद की मैंने केयर भी नहीं की, क्योंकि मेरे बेबी की भी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसकी सबसे ज़्यादा टेंशन थी, मतलब ना मेरा खाने का मन किया ना किसी चीज़ का मन किया, ऐसे कि मतलब कुछ एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो गई बिल्कुल। तब उस टाइम पे ये था कि वो ठीक हो जाए बस। चलो छोड़ो, कहाँ की बात कहाँ ले गई मैं, ऐसे ही होता है। तो बस अभी थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी यहीं पे, टाइम नहीं कटता है मेरा एक्चुअली, दोपहर में अब थोड़ी देर, मतलब 2 बजे तक तो एटलीस्ट मैं यहीं पे रुकूँगी, बैठी रहती हूँ, फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ, वीडियो एडिट करनी होती है तो वो कर लेती हूँ, कोई और काम होता है तो वो कर लेती हूँ, इस तरीके से। देन उसके बाद फिर मैं नीचे जाती हूँ 2:30 जो भी है, फिर अपना खाना खाती हूँ, अगर बना हुआ तो नहीं बनाती हूँ, नहीं बना हुआ होता है तो फिर बनाती हूँ अपनी 2 रोटी या पराठा, जो भी खाना होता है, खाने का मूड होता है, बस फिर खाती हूँ, फिर लेट जाती हूँ, फिर वही फ़ोन चलाते रहो, ऐसे ही है, टाइम कट जाता है। और फिर रात को आके थोड़ा सा फिर मूड ठीक होता है शाम होते होते रात को। चलो फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोगों से, मैंने कितनी सारी बातें शेयर कर ली आप लोगों से।
तो यहाँ पे दोपहर के बज गए हैं 2 और मैंने भी खाना नहीं खाया था और अचानक से आ गए थे मेरे पतिदेव, तो बस यहाँ पे मैं खाना गर्म कर रही हूँ। और मॉर्निंग में ही मैंने छोले की सब्ज़ी बनाई थी तो बस वही रखी हुई थी, तो बस सब्ज़ी गर्म कर रही हूँ, पराठे भी गर्म कर लूँगी मैं। और इनको मैंने खाना डालकर दे दिया है, एक्चुअली इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दे दिया, इनको पास में ही कुछ काम था घर से तो ये आ गए थे कि चलो साथ में ही घर पे खाना खा के चला जाऊँगा मैं। तो बस इनको मैंने खाना डालकर दे दिया है और ये टिफ़िन बॉक्स ओपन नहीं हो रहा था मुझसे, तो बस मैं वही इनसे खुलवाने के लिए आई थी। और साथ साथ में मैं भी अब लंच कर लूँगी, अपने सारे पराठे वगैरह सेक लूँ पहले मैं एक साथ, और उसके बाद यहाँ पे साथ में लंच कर लूँगी। तो बस मैं वही इनको सब्ज़ी वगैरह डाल कर दे रही थी, दही डाल कर दे रही थी। तो चलिए हम दोनों साथ में कर लेते हैं अब अपना लंच। अच्छा लगता है ऐसे कभी कोई सरप्राइज़ मिल जाता है, अचानक से कोई आ जाता है। तो आप दोपहर में जा रहे हो? अच्छा मैं जा के आ रहा हूँ। बाय बाय। कितने बजे आओगे? कितने बजे? ठीक है। थे थोड़ी देर के लिए खाना खा के फिर चले गए, लाइट बंद कर दूँ। एक सेकेंड मैं गेट बंद करती हूँ। बस मैंने भी खाना खा लिया साथ में ही, और रसगुल्ला खा लीजिए आप भी, यही निकाल कर गए हैं। मुझे मीठा अच्छा नहीं लग रहा था, मैं खा ही नहीं रही, तो बस यही निकाल कर गए हैं, खुद खा कर गए हैं और मेरे लिए निकाल के गए हैं कि ये रखे रखे ख़राब हो जाएंगे, खाओगी नहीं तो। एकदम से आए, मैं सोचा कभी नहीं आते दिन में, बट यही कुछ पास में काम था। अब बर्तन वगैरह नहीं दूंगी, डायरेक्ट धो देती हूँ, नहीं तो फिर ये पड़े रहेंगे। चलो फिर अब मैं मिलूँगी आपसे डायरेक्ट रात को, क्योंकि अभी मैं बर्तन क्लीन करूँगी और उसके बाद मैं लेट जाऊँगी, रेस्ट करूँगी, आराम करूँगी, जो भी बोल लो। चलो ठीक है फिर, बाय बाय। तो बस आप लोगों से बातें करने के बाद यहाँ पे मैं अपने बर्तन वगैरह क्लीन कर रही हूँ, और थोड़े बहुत बर्तन होते हैं तो हम छोड़ भी देते हैं, बट काफ़ी सारे होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, फिर शाम को लेट कर उठो और किचन में बर्तन मिलते हैं तो अच्छा नहीं लगता, मुझे तो खासकर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं फटाफट से अपना काम वगैरह फिनिश करके फिर आराम से रिलैक्स होकर फिर लेटती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह क्लीन हो गए हैं और शाम को 5 बजे की तरफ मेरे देवर जी आ गए थे, तो हमने काफ़ी सारी बातें वगैरह की, और उसके थोड़ी देर बाद ही मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो बस वही हम बातें कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी पी रहे हैं चाय। और सबके साथ में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है, अकेले अकेले मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती हूँ, बट कोई आ जाता है या कभी तबीयत ख़राब होती है तो इस टाइम पे हम ऐसे चाय पी लेते हैं, अच्छा लगता है, थोड़ी बहुत बातें भी हो जाती हैं और बस चाय भी इंजॉय हो जाती है। तो आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ बथुए के पराठे, तो हमने साथ में बैठे बैठे ही बथुआ भी क्लीन कर लिया था, सॉरी क्लीन तो मैंने पहले ही कर लिया था, कट कर लिया था साथ में बैठकर। और फटाफट से मैं आटा गूंथ लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने सब्ज़ी बनाई थी वो भी काफ़ी सारी रखी हुई थी, तो अभी मैं सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बथुए के पराठे बनाऊँगी और थोड़ी बहुत सब्ज़ी से खाएँगे तो वो हम खा लेंगे। तो और बथुए के पराठे तो होते भी हेल्दी हैं, तो मैंने सोचा कि चलो बथुए को ऐसे ही यूज़ कर लूँ, क्योंकि रात में तो रायता वगैरह तो खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा चलो यूज़ कर लेते हैं इसी तरीके से। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने पहले मैं सोच रही थी कि उबाल कर बनाऊँ, बट फिर मैंने डायरेक्ट ही इनको आटे में ही गूँथ लिया था और बहुत अच्छे भी बने थे, यम्मी यम्मी से करारे करारे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने सारे पराठे वगैरह सेक लूँगी और उसके बाद मुझे थोड़ा सा सब्ज़ी लेने भी जाना था। एक्चुअली मैं मेरे हस्बैंड से ही बोल रही थी कि आप ही चले जाइए सब्ज़ी लेने के लिए, बट ये गए नहीं, तो बस अब हम दोनों को ही साथ में ही जाना है, तो इसलिए मैं अपने पराठे सेक रही हूँ। यहाँ पे अकेले ही थे तो मैं पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी, खुद ही अकेले बोले जा रही थी, गाने गाए जा रही थी, तो बस वही अपना काम इंजॉय कर रही थी मैं। फटाफट से अपने पराठे बना लेती हूँ, और देखिए मेरे पराठे बहुत ही करारे करारे और अच्छे से बने थे। आप अकेले ले आते तो मुझे नहीं आना पड़ता।
ही पापा। हाँ घूम ली बस। तो भैया घूमने के चक्कर में ज़्यादा घूम ली तो बस घूमने के चक्कर में ज़्यादा घूम ली तो बस। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ, कोई आने जाने वाला तो बेचारा घुस ही जाए इस गड्ढे में। बारिश में नहीं पता चले इस गड्ढे का। सब्जी मंडी जाए, सब्जी मंडी। चलो भाई सब्जी ले लो पहले फिर बात करते हैं। क्या लोगे, क्या खाओगे सर? और कुछ चाहिए भाई साहब? अरे मुन्ना रहने दो मैं ही रख दूंगी। बाबू नारियल पानी कौन पीना है? नारियल पानी पीना है। कब पीना है? कल। अच्छा कल लेके आया था, कल पीना है। अभी मैं थक गया ना इसलिए मैं नहीं पीऊंगी, कल पीऊंगी ना अब। पालक भी रखना है। टोकरी को निकाल लेते बाहर फिर कल साफ कर करके रख देंगे। ऐसे आ जाएगी। और पालक कहाँ रखने, पालक के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी। वो निकाल दो अनार और कुकर भी लो, बस ऐसे ही रख दो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हर बार सब्जी गलम कर लूँ मैं? अब बैठ दो थोड़ी देर बाद में कर लेगा। तुमको भूख नहीं लगी है? भूख नहीं लगी आपको? नहीं, थक गई मेरी बैटरी डिस हो जाती है। वहाँ से आते आते आप कहीं नीचे ले लो जो मेरी बैटरी चार्ज रहे। खाना डाल दिया मैंने और आज पता है टीट का अचार खाऊंगी क्योंकि आज पराठे बनाए हैं। तो ना खाना डाल रही हूँ मैं, टीट का अचार, दही और हमारी चने की सब्जी। ये हो गया मेरा आज का डिनर। तो मैं अपना डिनर कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अरे यार एक और प्लेट 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 तो ये हो गए हमारे पराठे जो अभी मैं बना कर गई थी और इनको मैंने ऐसे फोल्ड करके रखा था इसलिए ऐसे हो रहा है। तो बस चलिए आप भी कर लीजिए। टाइम शायद आज लेट हो गया, 10:30 के आसपास का टाइम हो गया। तो चलो फिर हम दो सब्जी लेके जा रहे हैं, एक मेरी एक इनकी। और एक और चम्मच चाहिए मुझे, एक और चम्मच। तो चलिए चलते हैं अपना खाना लेकर।